हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ फिर से एक न्यू सक्सेस स्टोरी। एंड टुडे आई एम हेयर विथ सीएमए रंजीत सिंह, एंड ही इज कॉस्ट अकाउंटेंट एंड ही इज वर्किंग इन एलएनटी इंफोटेक एज ए बिजनेस एग्जीक्यूटिव। सो बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी है एंड होप सो कि आपको भी बहुत अच्छा लगे। सो वेलकम रंजीत, हाउ आर यू? कैसे हो आप? I'm good, Ron. First of all, thank you for inviting me for the interview. I'm glad that you invited me, and I'm feeling very excited to share my journey and everything that I did to achieve this. Yeah. We can continue. Thank you. Also, you have accepted my invitation, and because of this, we are here and recording this session. And hope so, a student will also enjoy this session. So yeah, first of all, my first question is how you started your CMA journey. Okay. So when I was in college in 12th standard, so there was a seminar held by our college. So what to do after 12th standard? So there they were talking about many courses you can do about after 12th standard. So there they were talking about CMA. So although I had heard many other courses they were talking, but I haven't had any CMA till yet. So I was thinking, what is this course? So I tried to search about it. Then I did. Then I found it exciting. So I just registered it and I started doing it. Yeah. That was my entry to the CMA. Yeah. Okay. So I think you are in college and you started your CMA from CMA Intermediate or CMA Foundation? CMA Foundation. CMA Foundation. So what are the challenges you have faced during your initial stage? Because we all are from 10th, 12th, and at that time, we are not focused on very much study. I mean, mera to nahi tha bahut zyada study ke upar focus, but ho sakta hai maybe aapka ho. So hum ek professional course mein aate hain, and then we are facing some challenges. So aapke saath bhi kuch aisa hua tha? हाँ, स्टार्टिंग में तो चैलेंज लग रहे थे, बिकॉज इतना हैबिट नहीं था लंबे लंबे आर्ट्स पढ़ने के। एंड ऑल यू नो, पहले एग्जाम होते थे एक दिन पहले पढ़ते थे। सो अभी जैसे सीएमए में डाला तो ले तो लिया था कोर्स, बट नाउ थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे स्टार्टिंग में, क्योंकि हैबिट नहीं था। सो इवेंचुअली धीरे धीरे करके वो हैबिट डेवलप करना पड़ा हमें पढ़ने का एंड लॉजिकली कॉन्सेप्ट समझने का। एंड तो ऐसे धीरे धीरे जो करते गए प्रोग्रेस स्लोली स्लोली, तो वो एक्चुअली वो हैबिट बन गई, राइट? सो वो चैलेंजेस ऐसे अपने आप ओवरकम हो गए जैसे जैसे हम वो मैं आगे चलते गए। सो व्हेन यू हैव यू कंप्लीटेड योर सीएमए फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट? या माय सीएमए फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लिया था। ओके। देन आई गॉट इनटू इंटरमीडिएट। सो व्हेन आई वाज इंटरमीडिएट आई वाज इन सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज। सो एंड आई हैड टेकन बैफ। सो बैफ में कैसे होता था ना कि हमारा कॉलेज दोपहर में होता था। And you know, अगर CMA हम पढ़ रहे तो हमें very very longer sitting करनी पड़ती है, 10 to 12 hours या 9 to 10 hours for clearing the attempts, yeah. So उस time पे कैसे होता था ना कि मुझे इतना तो कोई guide करने वाला नहीं था, and मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने क्या, मैं 2-3 attempts skip कर दिए थे कॉलेज में, okay? And मुझे एक attempt भी लग गया था। Then मैंने एक साल बीच में थर्ड ईयर जब मेरा आया तो मैंने स्टॉप कर दिया था कोर्स। मैं सोच रहा था कि ये कोर्स से ड्रॉप आउट कर दूँ, बट देन मैंने सोचा कि एक्चुअली अभी इसमें हाथ डाल चुके हैं तो अभी इसको पूरा करके छोड़ें। सो जैसे मैंने अपना थर्ड ईयर का एग्जाम कंप्लीट किया फाइनल का, सो मैं थोड़ा ऐसा माइंड फ्रेश करने घूमने गया फ्रेंड के यहाँ। देन उसके बाद आते से ही मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया इंटर के लिए। सो मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया इंटर। एक्चुअली मैंने कोई क्लासेस नहीं लगवाए थे, मैंने खुद से स्टडी किया। एंड मैंने खुद अपना धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते गया अपनी खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप की मैंने, कि कैसे करना है एक सब्जेक्ट को कैसे कम्प्लीट करना है। यूट्यूब था मेरे साथ, यूट्यूब पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था सर्च करने में हाउ टू स्टडी, एंड कोई टॉपिक समझ आया तो मैं गूगल करता था। सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत काम आई एक्चुअली। सो फिर दिसंबर मेरा 2018 में अटेम्प्ट था मेरा इंटर का, तो मैंने बोथ ग्रुप के लिए सिटिंग की थी। एंड आई एम ग्लैड डेट कि मैंने वो दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर लिए थे उस टाइम पे। देन जैसे मेरा इंटर हुआ देन आई केम टू फाइनल। तो फाइनल में भी कैसे ना, मैंने कोचिंग नहीं लगाई। ओके, तो इंटर के बाद मैंने क्या किया था ना, मैंने सीधा इंटर्नशिप ज्वाइन की थी। तो मैं सी ए फॉर्म में काम करता था एज एन ऑडिट एंड अकाउंट एसोसिएट वहाँ पे। सो वहाँ पे मैंने एक साल इंटर्नशिप किया अपना, फाइनल के लिए अपील किया मैंने। और फाइनल के लिए मैंने, मेरे को लॉकडाउन का थोड़ा फायदा हुआ तो उसके वजह से मैं लॉन्ग ओवर सिटिंग कर पाता था। वैसे भी इंटर क्लियर कर रहे थे तो आदत पड़ चुकी थी अभी। सो वो यूट्यूब एंड गूगल उसने हेल्प किया, सब सेल्फ स्टडी किया मैंने। एंड देन होपफुली मैंने मार्च 2021 में अपना सी एम ए फाइनल भी क्लियर कर लिया।
जब आपने अपने सीएमए फाइनल कंप्लीट किया देन योर नेक्स्ट टारगेट इज टू गेट ए जॉब इन कैंपस. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर कैंपस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच यू हैव फेस इन कैंपस, सो आप उसके बारे में बताओ. राइट, सो जैसे मेरा रिजल्ट आया तो उस दिन मैंने कैंपस के लिए एनरोल कर लिया था. तो कैंपस में जब हम एनरोल करते हैं तो हमें ट्रेनिंग देते हैं फर्स्ट 8 डेज के लिए कि हमें कैसे अपने आपको प्रेजेंट करना है, रेज्यूमे एंड ऑल ये सब हमें दिया जाता है. सो कैंपस में ना मैं पहले थोड़ी दिन तो मैंने शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं नाम. ओके, तो एक बार शॉर्टलिस्ट होता कल्पतरू, बट इवेंचुअली मुंबई कैंपस में कल्पतरू इंटरव्यू लेने नहीं आया. ओके, सो मेरा वहाँ पे थोड़ा सैड हो गया था मैं कि इतना मेहनत किया है अभी कैंपस में कुछ हो नहीं पा रहा है. ओके, सो प्रिपेयर, तो अगर प्रिपेरेशन की बात करो पहले तो मैं देखता हूँ JD. ओके, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है पहले से कैरफुली रीड करना चाहिए. देन उसमें जो जो मेन पॉइंटर्स है उसके ऊपर आपको अपना रिविजन करना चाहिए. ओके, देन होता है आपका रेज्यूमे. अपना रेज्यूमे हमेशा हम फॉलो करिए कि आपने क्या क्या लिखा है एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं. देन उसके बाद मैं करता हूँ कंपनी रिसर्च, जो भी कंपनी मुझे शॉर्टलिस्ट करने किसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उसके बारे में रिसर्च करता हूँ. ठीक है, उसके देखता हूँ अगर लिस्टेड है तो शेयर मार्केट में और NSE में जाके कि उसका ट्रेडिंग प्राइस क्या है, EPS क्या है, ऑल सब मैं देखता हूँ. ओके, देन उसके बाद प्रिपेयर करता हूँ बेसिक क्वेश्चन जो हमें इंटरव्यू पूछे जाते हैं. टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन वेयर डू यू लिव, देन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स या वीकनेस एंड ऑल. देन मैं अपना जो JD के हिसाब से जो मेरा रोल होता है, सपोज आई एम बिजनेस फाइनेंस तो मैं फिर SFM उस पर ज़्यादा उसको रिविजन करने में ध्यान देता हूँ ज़्यादा. तो ऐसे मतलब मैं मोस्टली अपना इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ. तो जब आपका कैंपस नहीं हुआ था देन थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील हुआ आपको? यस, राइट राइट. तो लास्ट मंथ था कैंपस का जो मेरा चूज किया था, तो उसमें मुझे RSM में हुआ था, एक RSM ऑडिट कंपनी है. सो उसमें मुझे ऑडिट में हो गया था, बट मेरा कैसे था ना, मुझे ऑडिट में कैरियर बनाने भी था. सो मैं बस जाना था फाइनेंस में. ओके, सो मैंने थोड़ा टाइम किया वहाँ पे, देन आई लेफ्ट बिकॉज वहाँ पे मेरा हो ही नहीं रहा था, बिकॉज मैं जम ही नहीं रहा था क्योंकि मेरा मन ही नहीं था ऑडिट में जाने का. तो देन जैसे ही मैं छोड़ा ना, सो आई वॉज इन टेंशन कि अभी हम जॉब कहाँ से ढूंढेंगे. ओके, कैंपस भी चले गए हैं एंड ऑफ कैंपस अभी वहाँ पे, तभी लॉकडाउन का भी टाइम था. सो कंपनीज वर लेइंग ऑफ द एम्प्लॉयज एंड ऑल सब. सो वो भी एक मेरे को डीमोटिवेशन हो रहा था. देन मैं धीरे धीरे मुझे थोड़ा मैंने सोचा चलो अभी करना तो है तो करके देखते हैं. सो फिर मैंने वैसे ही मेरा जो मैं करता हूँ कि मैं तो एक तो लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूँ. सो मैं एक तो लिंक्डइन के थ्रू लोगों से कनेक्शन बनाता था. देन मैं लिंक्डइन पे भी डाला था कि सेल्फ फाइंड जॉब. देन मैं एक और करता हूँ कोल्ड ईमेलिंग. सो मेरे लिए हमेशा एक वर्क करता है कोल्ड ईमेलिंग. सो हमेशा कैसे होता है ना कि आप कोई ग्रुप में हो गए फाइनेंस के. ओके, सो जो ग्रुप में होते हैं जॉब्स वाले तो उसमें से आपको ईमेल्स मिल जाते हैं. सो उस पर आप अपना पूरा बायोडाटा डाल के कोल्ड ईमेलिंग करोगे तो कुछ ना कुछ टर्न आउट होता ही है. ओके, सो मुझे भी L&T इन्फोटेक का ऐसे ही हुआ था. मुझे भी ये कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू ही मिला था, तो उसके वजह से मेरा यहाँ पे टर्न आउट हुआ. तो जब आप L&T में आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया एंड तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ एक आइडिया आप दे सकते हो बच्चों को? या ओके, बताता हूँ. सो पहले तो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट योर सेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड ऑल. देन वो आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर. सो मुझे इंटरमीडिएट के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे. इंटरमीडिएट सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा गया था मुझे. देन मुझे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे पूछा गया था क्वेश्चन. देन मुझे IND AS 115 पे पूछा गया था क्वेश्चन. देन थोड़े बहुत बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे थे. देन केस स्टडी टाइप पूछते हैं, वो बना के आपको सिचुएशन देते हैं कि अगर बैट 5 रुपए का है देन बॉल इज 5 रुपीज और मोर देन द बैट, सो बॉल कितने की होगी एंड ऑल, ऐसे सब क्वेश्चन देते हैं. तो ये सब क्वेश्चन मेरे को मोस्टली पूछे गए थे इंटरव्यू में. सो L&T में आपके कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे? मेरे हुए थे 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू. That was both were technical and the third round था वो मेरा HR round था. So that was just only discussion किया. So जैसे L&T I think campus में आता है तो 7 to 10 lakh का उसका range होता है placement का, salary range, package. Right. So अगर हम off campus की अगर हम बात करें तो क्या range एक आप just expectation के लिए? Right. You can expect around if you are a fresher, okay? And आपके पास अपने internship भी नहीं की होगी. इंटर्नशिप भी हम 7 मंथ्स की तब करते थे हमारे टाइम पे. तो अभी तो 1.5 हो गया फिर भी. सो आपको 1.5 के हिसाब से अगर देखे जाएंगे, मैं सिर्फ 1.5 की इंटर्नशिप क्योंकि एंड यू आर फुल टू फ्रेशर, सो आपको 7 तक मिल जाएगा मिनिमम. उससे नीचे तो नहीं देंगे वो, दे आर वेरी गुड पेइंग. उतना तो आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं L&T इन्फोटेक से. ग्रेट.
तो इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहते हो ड्यूरिंग, मतलब आप अपने जर्नी से कि उन्हें क्या क्या चीजें करनी अभी चाहिए कि वो बहुत अच्छे से सीएमए को क्रैक कर ले एंड अच्छे से जॉब भी ले ले। सो अभी क्या हुआ था ना, मैं एलएनटी जैसे ज्वाइन किया था. सो मेरा जो टीम है, आई एम द ओनली सीएमए इन माय टीम, ऑल आर सीए, रेस्ट आर सीए. सो जैसे मैंने ज्वाइन किया था, मुझे एचआर का कॉल आया था. सो दे वांटेड मी टू टेल कि यार सीएमए में क्या, आई एम अ सीएमए. सो दे वांटेड मोर सीएमएस फ्रॉम द कैंपस. दे वर इम्प्रेस्ड राइट एक्चुअली फ्रॉम द सीएमए. सो उन्होंने बोला, डू यू हैव एनी पर्सन नोन इन द इंस्टीट्यूट, यू वांट टू गो फॉर द कैंपस. तो ये भी मुझे पूछा गया था यहाँ पे इंफोटेक में. एंड ठीक। आपने प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो, आप क्या बोल रहे थे? मैंने ये कहा था कि जैसे कि आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए एंड किस तरीके से आपने उसे ओवरकम हुआ, सो स्टूडेंट्स को जस्ट एक टिप्स कुछ है कि हाँ चैलेंजेस लाइफ के पार्ट है और किस तरीके से हम उसको ओवरकम करना चाहिए हमें। मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं ना डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसके लिए कुछ। या देखो, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं. एक्चुअली मैंने भी फेस किए हैं चैलेंजेस. जैसे अभी पढ़ाई के टाइम में चैलेंजेस आते थे, स्टडी के टाइम पे बैठते थे तो 8-8 सब्जेक्ट देख के हमारा भी दिमाग घूम जाता था कि बाप रे इतना करना है. तो मुझे कैसे होता, माइंडसेट, यहाँ पे सब डिपेंड करता है अपना माइंडसेट पे. अगर आप सोचोगे कि इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं एंड यू हैव टू डू ऑल दिस एंड इतना कैसे करोगे, सो आप वो थोड़ा आप माइंड को डिमोटिवेट अपने आप कर लेते हो. तो कैसे करना चाहिए, जो मेरा अपना स्ट्रैटेजी बनाया था वो चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, कि मैंने क्या कर दिया था कि जैसे अभी मैं दिन में उठाता दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट, तो मैं एज अ सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ता था कभी भी. सो मैं एक्चुअली चैप्टर वाइज पढ़ता था. सो कैसे है ना कि अभी ये सब्जेक्ट में से मैंने एक चैप्टर आज उठा लिया, ठीक है, एंड शाम को दूसरा चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट में से उठा लिया. सो ऐसे करते करते कैसे है ना, धीरे धीरे इवेंचुअली देखोगे आप एक एक चैप्टर करते भी जाओगे या दो चैप्टर भी करते जाओगे, तो टाइम में यू विल सी दैट यू आर कंप्लीटिंग द होल सिलेबस और आपके दिमाग में प्रेशर भी नहीं आता. सो पूरा वो वैसे मैंने अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना के अपने आप को ये चैलेंज से ओवरकम किया. देन सेकेंड चैलेंज जो मैंने फेस किया था, कि मुझे जब भी सीएमए क्लियर हुआ था, सो मुझे जॉब बिल्कुल भी ढूंढने में मुश्किल हो रही थी. मैं मोस्टली अब मैं बोलूंगा आपको कि 3 to 4 months ना मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था जॉब. 3 to 4 months ऐसे बैठा था मैं. सो वो तो उसमें ना, वो जो 3 to 4 months थे ना, मुझे बहुत डिमोटिवेशन होते थे. बट एक्चुअली यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली समटाइम्स. क्यों? क्योंकि आप अकेले रहोगे तो आपको डिमोटिवेट होगा ही. यू शुड शेयर, यू शुड हैव दैट वन पर्सन, यू शुड शेयर समथिंग एंड यू शुड ऑलवेज हैव दैट ट्रस्टेबल पर्सन विथ यू. एंड अगर आपके पास नहीं भी है सो ठीक है. देखो ये मेरा तो एक सिंपल प्रिंसिपल है कि अगर कुछ चीज़ 5 साल बाद नहीं मैटर करेगी ना, तो उसके उसके लिए 5 मिनट सोच के फायदा नहीं. सो कभी भी कुछ टेंशन या चैलेंज हो ना, तो रिमेंबर कि इज दिस गोइंग टू बी मैटर टू मी इन कमिंग टाइम. अगर नहीं, देन डोंट थिंक अबाउट इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक वॉट इज द चैलेंज यू फेसिंग. सो देखो कि तुम क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, तुम समझो अच्छे से तुम्हें क्या चैलेंज हो रहा है. देन उस चैलेंज के बारे में तुम सोचे कि तुम इसके बारे में तुम क्या कर सकते हो, राइट? तुम सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, उसको ब्रेक डाउन करो एंड उसको फिर जो तुम्हें अगर सॉल्यूशन मिलता है, तुम सोचो कि तुम्हें जरूर सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा तो नहीं. देन वो उसको फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो अपने काम में, कभी भी डोंट लिव इट इन बिटवीन करके. ये मैंने देखा है कि बीच में मेरा भी एग्जाम हुआ था डिमोटिवेशन कि मैं सीएमए छोड़ने वाला था, बट देन अल्टीमेटली मैं अपने आप को मोटिवेशन लेके आया कि नो, अगर अभी इतना दूर जर्नी हमने किया है, इतना मेहनत करके आए हैं, इतना दूर चल के थोड़ा और चल लेते हैं. तो ऐसे होता है, मतलब मेरा तो ऐसे होता है चैलेंज ओवरकम करने का तरीका. थैंक यू फॉर गिविंग योर फॉर टेलिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड होप सो या कि मोस्ट बच्चों वेलकम. को बहुत अच्छा लगे एंड वो भी इसको इंजॉय करे। एंड प्लीज आप इसी तरीके से और सक्सेस स्टोरी मेरे चैनल पे आप देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना एंड अपने फ्रेंड के या साथ आई ऑलरेडी वीडियो शेयर करते सब्सक्राइब्ड. रहना। या थैंक यू। या आई ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड. या थैंक यू रोहन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम ग्लैड. या वेलकम। या ओके. या बाय बाय.